सड़क सुरक्षा समिति ने नवीन ऑटो का रजिस्ट्रेशन एवं परमिट जारी करने के निर्देश दिए हैं। ऑटो मैजिक ई रिक्शा का किराया एवं रूट निर्धारण किया जाएगा। शनिवार दोपहर को सेहत मेला कार्यालय पर उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। इस बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला, निगम कमिश्नर अंशुल गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ अंकिता धाकरे, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी संतोष मालवीय, यातायात डीएसपी सुरेंद्र पाल सिंह राठौर, यूडीए सीईओ एसएस रावत सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि नवीन ऑटो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन एवं परमिट ना दिया जाए। जिले में जिन ऑटो रिक्शा को परमिट नहीं दिए गए हैं, उन ऑटो रिक्शा वालों के शिविर लगाकर परमिट उपलब्ध कराए जाएं। ऑटो मैजिक ई रिक्शा का किराया एवं रूट का निर्धारण किया जाए। साथ ही इनका स्टैंड का भी निर्धारण 1 माह के अंदर करने के निर्देश संबंधित को दिए गए हैं। बैठक में सांसद अनिल फिरोजिया ने निर्देश दिए हैं कि 3 बत्ती चौराहा से होटल शिप्रा होते हुए माधव नगर रेलवे स्टेशन तक दुकानों के सामने सड़क पर वाहन बहुतायत में खड़े रहने के कारण रोड आए दिन जाम होती है। इस हेतु नगर निगम आरटीओ द्वारा टीम गठित कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। शांति पदस चौराहे पर प्राइवेट बसें खड़ी रहती हैं जहां पर संचालन हो रहा है। जिन वाहनों को जिस रूट का परमिट दिया गया है उसी रूट पर वाहनों का संचालन कराया जाना सुनिश्चित करें। नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश आरटीओ को दिए गए हैं। बैठक में जिले की विभिन्न मांगों में दुर्घटनाएं संभावित ब्लैक स्पॉटों की पहचान कर उनके सुधार का कार्य अनिवार्य रूप से किया जाए ताकि दुर्घटना न घटे। विभिन्न मांगों से आने वाली एम्बुलेंस वाहनों के लिए अलग से लेन सुरक्षित होना चाहिए ताकि गंभीर पीड़ित व्यक्ति को शीघ्रता से संबंधित अस्पताल पहुंचाया जा सके। उज्जैन से घोसला आगर रूट की स्थिति अत्यंत खराब है, उसे ठीक करने के निर्देश एमपीआरडीसी के अधिकारी को दिए गए हैं। और जो ऑटो वालों का एक मामला चल रहा है, माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है, तो जितने ऑटो हैं जिनके पास परमिट है उनको तो अलाउ किया जाए, जिनके पास नहीं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है माननीय न्यायालय के आदेशानुसार। लेकिन बाकी जो बच रहे हैं उनको परमिट इशू किए जाए, क्योंकि माननीय सम्मान्य न्यायालय का भी निर्देश है कि भाई उनको उसमें परमिट देके उनको चला व्यवस्थित चालू किया जाए जिससे कोई दिक्कत ना हो, तो उसके ऊपर भी बातचीत हुई है। और तो आपको सबको ध्यान है कि अपने 3 बत्ती चौराहे से लेके तो रेलवे स्टेशन तक काफ़ी अतिक्रमण है, लोग रास्ता जाम है। हमारा उज्जैन सती के कंठाल से लेके गोपाल मंदिर तक का, तो इसके ऊपर भी अतिक्रमण हटाना, पार्किंग की व्यवस्था व्यवस्थित हो, लोगों को पार्किंग के लिए जगह पहले तो हम उपलब्ध कराएं, उसके बाद मोटिवेट करें ताकि वो वहाँ जाएं। तौर पर ऑटो चलते हैं और ई रिक्शा चलते हैं उनके ऊपर ये निर्णय लिया गया है कि जितना भी रजिस्ट्रेशन हो गया है उसके अलावा आगे के लिए रजिस्ट्रेशन रोक दिए जाएँ, और जिनके परमिट नहीं बने हैं उनके लिए कैंप लगाकर बाकी के परमिट देने के लिए उनके सबको थोड़ा समय दे दिया जाए, और अगर 15 दिनों में परमिट नहीं बनाते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करी जाए। इसके साथ साथ जो शहर के कुछ अंदरूनी हिस्से हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या रहती है, वहाँ पर वन वे के लिए कुछ अगर नए स्थान ढूंढने हैं, अगर पुराना वन वे है उसको किस तरीके से अच्छे तरीके से लागू करवाया जाए, पार्किंग जहाँ ऑलरेडी सुविधा है वहाँ पर अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट कराई जाए और नई पार्किंग की सुविधाएँ भी ढूंढी जाएँ इस प्रकार के। और कुछ देवास वाला जो अपना देवास गेट वाला बस स्टैंड है वहाँ पर कुछ ऐसी बसेज भी आ रही हैं जिनकी अनुमति नहीं है, ये मुद्दा भी बैठक में उठा है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए आरटीओ को निर्देश दिए गए हैं।